जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और इन्हें नोटबंदी करनी है, करेंसी नोट बैन इन पाकिस्तान रोज, पाकिस्तान फनी रोज, वीप्रो चैनल की ओर से वीडियो है। तो खुर्सी की पेटी बांध लो और हंसने का स्टार्ट कर दो दोस्तों। वीडियो देखते फनी वे में लेना, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का फैसला कर लिया। A few moments later, मिस प्रिंटेड करेंसी नोटों ने सबको चकरा दिया। कराची के बैंक को फराहम नए करेंसी नोटों की एक साइड प्रिंट ना होने का इंकशाफ हुआ। बैंक मैनेजर ने सारिफ की शिकायत पर बंडल चेक किए तो नोट मिस प्रिंटेड निकले। कंगाल ससुरे। मतलब भिखारियों के पास नोट प्रिंट करने के लिए इंक तक नहीं, फिर भी बंदों को नए करेंसी नोट लाने हैं। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या भाई, इन बंदों की हराम जादगी। अभी बंदे खुद अपने मुल्क में नोट बंदी करने जा रहे हैं, और कुछ सालों पहले जब ऐसा ही कुछ इंडिया में हुआ था तब मोदी सरकार ने अपने अवाम, अपनी जनता को एक नई तकलीफ दी जब बड़े करेंसी नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद ये पॉलिसी नाकाम रही। अरे तेरी बहन का फिजा खलीफा मारूं, जब इंडिया में पॉलिसी नाकाम ही रही तो पाकिस्तान में यह पॉलिसी के मरवाने को ला रहे हो। कंट्रोल कंट्रोल। मतलब बंदों के पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं, दूसरे देशों से कर्जा लेकर गुजारा कर रहे हैं, फिर भी बंदों को अपने मुल्क में नोट बंदी करनी है, जबकि उधर पाकिस्तानी आवाम की हालत। गरीब लोग बेचारे तीन तीन घंटे खड़े होकर 10 रुपए की खातिर खड़े हुए हैं। फ्रूट तो दूर की बात है, जो है ना यकीन माने कि लोग ना पानी से इफ्तारी कर रहे हैं। सब्जियां ले ही नहीं सकते, बस दाल पका लो, पानी चोखा पा के खा लो, पर रोटी और क्या, सब्जियां क्या करनी, खा की सब्जी महंगी पड़ी। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के घर घर की ये हालत है। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है। अब भाई वैसे कहने को तो पोर्की एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के लिए जज्बा। दंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। हम घास खा के भी लड़ेंगे। वो हमारा हिस्सा है, था, रहेगा। हम मकबूजा कश्मीर उनसे लेकर रहेंगे। मुंह में ले ले मेरा। ले लेंगे इंशाल्लाह। और भाई पोर्कियों का ये जज्बा सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया को लेकर भी इनकी बकचोदी। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। कैसे? हाँ? कैसे? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। कोई सेंस है इस बात का? साला पैसा ना हुआ आतंकवादी हो गया, जो पोर्कियों ने भेजा और सीधे इंडिया पहुंच गया। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, खुद के मुल्क में भीख मांगने पर भीख नहीं मिलती और तुम इंडिया को पैसा दोगे? ए वल्लू बता 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 इसे बता। पाकिस्तान की मईशत को इतनी तबाह हो है कि हमें हर हालत में और हर कीमत पर IMF का कर्जा चाहिए। हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी इन भिखमंगों की बकचोदी खत्म नहीं होती। बंदे एक तरफ IMF से डॉलर के नाम पर भीख मांगते फिरते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉलर के लिए पोर्की। डॉलर को छोड़ो, हम डॉलर पर पेशाब करते हैं। और जो IMF वर्ल्ड बैंक तुम्हें डॉलर देकर तुम्हारे मुँह में पेशाब करते हैं, उसका क्या? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। IMF ने तो पोर्कियों की वो हालत कर दी है कि खाने पीने की चीजें, गैस पेट्रोल तो छोड़ो, बंदों को कर्जा देने के बदले पाकिस्तान में कूड़े पर टैक्स वसूलने तक को बोल दिया है। मुझे ये बताएं कि कूड़े पे टैक्स लगाना चाहिए? जब बच्चा पैदा होने पे टैक्स लग गया है तो कूड़े पे क्यों? अभी तो कुछ भी नहीं है टाइम, 3-4 महीने तक तो हम ये रोड पे भीख मांगेंगे। अबे जब तुम्हारे मुल्क में वजीर आजम ही भीख मांगने के लिए बनाया जाता है तो तुम्हें भीख मांगने में क्या शर्म? तो बोल डाल आज के दिन बोल डाल। और भाई इनकी ये हालत तब है जब बंदे दुनिया भर से कर्जा लेने के साथ साथ हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल अखराजात पूरे करने के लिए सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया, साथ में नए नोट छापने का रिकॉर्ड बना दिया। 12 माह के दौरान औसतन रोजाना तकरीबन 3 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए। मतलब बंदे हर साल 3-4 अरब नए नोट छाप रहे हैं, साथ ही साथ IMF से कर्जा ले रहे हैं वो अलग, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आवाम की हालत ठीक जा रहे हैं। घर के हालात ठीक जा रहे हैं? घर के हालात, ये बर्तन मेरे हाथ में है, मांग के खाना खाता हूँ। खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप यार, खुदा की कसम खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप। हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, एक रोटी होगी और 3 खाने वाले होंगे। हालात इतने खराब है कि भूख से मरेंगे हम लोग। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी आवाम भूख से मर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता फुल अय्याशी काट रहे हैं, और ये अय्याशी सिर्फ सत्ता में मौजूद नेताओं तक ही सीमित नहीं।
नहीं बल्कि जेल के अंदर कटोरा खान तक के जो बानी पीटे आए हैं उनके 6 माह का ये जो जेल का क्याम है इसके खानों पर 35 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब ये टोटल अगर देखें तो 6 महीने के पर मंथ 6 लाख रुपया बनता है, डेली का अगर मैं गलत नहीं कह रहा तकरीबन 20,000 रुपए बनता है। मतलब जितना हम पाकिस्तानी एक महीने में नहीं कमा पाते उससे कहीं ज्यादा तो कटोरा खान का एक दिन का जेल का खर्चा है। और उधर कटोरा खान के रोज के खाने का खर्चा देखकर पाकिस्तानी आवाम जिंदगी तो ऐसी हो जिंदा तो बाल भी भाई पाकिस्तानी गरीब आवाम की तो नेताओं ने वो हालत कर दी है कि बंदों को महंगाई से निजात दिलाना तो दूर, अगर कोई बंदा अपनी तरफ से आवाम को सस्ता आटा देने की कोशिश भी करता है तो। कराची में सस्ता आटा फरोख्त करना गुनाह बन गया, सस्ता आटा क्यों बेचा, कमिश्नर की टीम ने दुकानदार का जुर्माना कर दिया खत्म। और तो बंदों ने IMF से कर्जा लेने के चक्कर में आवाम पर इस कदर टैक्स का बोझ डाल दिया है कि आवाम चीखे मार रही है। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच बेच कर बिल भर रहा है। 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगाती है इन्होंने। भाई पाकिस्तानी हुक्मरान करे भी तो क्या, IMF से कर्जा ले तो आवाम का दिवालिया पक्का है और IMF से कर्जा ना ले तो मुल्क का, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है कि हम मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है हमारा, कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए। अब तो पोर्की भी IMF के कर्जों से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि बंदे IMF का कर्जा उतारने का एक से बढ़कर एक नुस्खा बता रहे हैं। कर्जे उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त पूरी दुनिया कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, सूद असी कोई नहीं देना, देखो उन्हें असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे जो तड़ी दिखान तो उन्हें आओ भाई उतर आए ना। अबे पोर्कियो वो IMF है, पेशवाड़े में हाथ डालकर अंतरिया निकाल लेगा, ऐसा तो बहुत दूर की बात है। और रही बात ये आस्तीन ऊपर चढ़ाकर दादागिरी दिखाने की तो पोर्कियो एक बात अच्छे से समझ लो, पाकिस्तानी बन क्या सकते, गुलाम ही बन सकते कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों नोटबंदी के बारे में मत सोचा करो, जो भारत करता है वैसे कॉपी पेस्ट आपके कंट्री में मत किया, खुद का तो कुछ कर लो भाई, जो दूसरे करते वो आप करते हो। नोटबंदी कर दी अभी, नोटबंदी मतलब नोट भी प्रिंट करने की तो औकात ही नहीं, इंक ही नहीं है भाई। आपको कुछ बंद करना हो तो IMF को बंद करो, आपके देश के दरवाजे वहां पे बंद करो, खुद के देश के लिए कुछ सोचो, कुछ के देश में कुछ प्रोडक्टिव लोग को पैदा करो। पैदा करना मतलब ये नहीं है कि फिर आप कुछ और ही समझ रहे हो पाकिस्तानियों, क्योंकि आप हो पोर की। पैदा करो का मतलब है कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को, टैलेंटेड बनाओ, अदरवाइज जो आपके आवाम बोल रही है ना भूख के मारे मर जाएंगे, ये दिन आएंगे आपके। क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, पूरा वर्ल्ड चाहते हैं, ये लोग है ही ऐसे। हाँ, पूरे वर्ल्ड पे बोझ ही है, मतलब बोझ है पूरा पूरा पूरा। एक बोलते हैं ना काला धब्बा, कभी कभार हम आपने वाक्य सुना होगा गली मोहल्लों में कि भाई तू तो इस नाम के लिए तो काला धब्बा है, तेरे से नहीं हो सकते, तो वही है पाकिस्तान। हाँ। खुद का कब कुछ सोचोगे भाई, कुछ तो सोच लो। नोट छापने के लिए एक साइड प्रिंट नहीं हो रहे। हाँ। और वो जब बैंक में पैसा जाता है तब वो मैनेजर को तभी पता चलता चला इसके पीछे तो प्रिंट ही नहीं हुआ। हाँ, एक नोट पे भी प्रिंट नहीं थी। तो ऐसी तो कितना हो गए भाई, इंक के पैसे नहीं है आपके पास, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, और बातें तो भाई पाकिस्तानियों से करवा लो, यही होता है, बस वही जज्बा भरा है। बाकी जिस हिसाब से ट्री ब्रो ने इसका रोस्ट किया मेरे हिसाब से तो सही किया, ये पोर्की जो है ना गालियों के लायक है भाई। हाँ। गालियों वो बोली तो रहा था कि भाई वो कूड़ा कूड़ा पे टैक्स लगाया, बिल्कुल ये अभी बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर तो टैक्स है ऑलरेडी तो कूड़े पे तो लगेगा ना भाई। मेरे हिसाब से यही होगा, जैसे कि हमारे यहाँ सुलभ शौचालय जो सरकार ने बनाए हैं ना, वैसे देखो पाकिस्तान में तो होंगे ऑलरेडी, लेकिन जो होंगे तो अब उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो भाई का बिल 15,000 आया और टैक्स 20,000 आया, किस हिसाब से इसका मैथमेटिक्स चलता है उन देश का मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपसे विदाई ले रहे हैं लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।